सिवान का एकमात्र HUIT हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUIT हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में इंटरमीडिएट सेंटर की परीक्षा से वंचित छात्रों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर हंगामा किया है। विद्यालय में 75% से कम उपस्थिति, कॉलेज में जीन्स पहनकर और मोबाइल लेकर आए छात्रों को प्राचार्य के आदेश पर परीक्षा से वंचित किया गया है, जिसको लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस और कॉलेज प्रशासन के समझाने के बाद मामला शांत हो गया। परीक्षा से वंचित छात्रों का अब 20 नवंबर को परीक्षा ली जाएगी। कॉलेज के प्राचार्य लाल बाबू कुमार ने हाथ जोड़कर छात्रों के परिजनों से अपील की है कि छात्रों को मर्यादा में रखने और भविष्य बेहतर बनाने के लिए कॉलेज प्रशासन का सहयोग करें। पूरा मामला भगवानपुर हाट प्रखंड मुख्यालय स्थित SS उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज का है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट सेंटर की परीक्षा थी, लेकिन विद्यालय के प्राचार्य के आदेश पर करीब 100 छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया, जिसके बाद परीक्षा से वंचित छात्रों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और विद्यालय के प्राचार्य लाल बाबू कुमार ने छात्रों से बात कर मामले को शांत कराया। विद्यालय के प्राचार्य लाल बाबू कुमार ने बताया कि वैसे छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया है जिनका विद्यालय में 75% से कम उपस्थिति थी। इसके साथ ही जो छात्र जींस और मोबाइल लेकर आए थे, उन्हें भी परीक्षा देने से मना किया गया। विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान लाना और जींस पहनकर आना प्रतिबंधित है। उन्होंने नोटिस जारी कर बताया कि आयोजित परीक्षा से वंचित छात्रों का 20 नवंबर को परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए उन्हें विद्यालय ड्रेस में आना होगा। कुछ छात्रों ने विद्यालय परिसर में उनसे और शिक्षकों से अभद्रता की है। ऐसे छात्रों के परिजनों से हाथ जोड़कर अपील है कि छात्रों को मर्यादा में रखने और भविष्य बेहतर बनाने के लिए कॉलेज प्रशासन का सहयोग करें। मुख्य कारण है कि विभागीय आदेश है कि विद्यार्थी या शिक्षक कोई जींस पैंट और शॉर्ट में नहीं आएंगे विद्यालय। उसके बावजूद भी ड्रेस कोड लगा हुआ है, विद्यालय का एक परिधान है जो विद्यालय प्रशासन ने तय किया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय आते ही नहीं हैं जी। और विभागीय आदेश है कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है जी। जी, उस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे बच्चे आ गए जिनके हाथ में बल्ला था, जींस था, मोबाइल था जी। कुछ हमारे यहाँ BBSC से लेडीज महिलाएं हैं जो अनमैरिड भी हैं, परीक्षा दौरान ड्यूटी में उनका वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग हुआ जो उनके आने पर मुझे बताया गया। वहाँ तुरंत उनको हटा करके मैंने जेंट्स पुरुष लगाया और मैं खुद उस कमरे में गया और जिसके पास मोबाइल था, जींस था, उसको मैंने कहा कि बाबू आपको हम 2 घंटा का समय देते हैं, आप जाइए जींस और टी शर्ट बदल लीजिए, मोबाइल घर पे रख के आइए, मैं आपका एग्जाम लूँगा। उस पर कुछ बच्चे उग्र हो गए और बोले कि हम तो बेंच पर मोबाइल लेके रख के लिखेंगे, आप इसे घर जाने की बात कर रहे हैं। उसमें से 2 बच्चा आके मेरा चेयर खाली था, मेरे चेयर पर बैठ गया, मेरे टेबल पर मोबाइल रख दिया। उसे तो तू मैं हुई, बहुत सारे टीचर मिलकर उसको निकाले। उसके बाद मैंने पुलिस बल को फ़ोन कर दिया, पुलिस बल आए और उसके बाद हंगामा थोड़ा बढ़ने लगा। पुलिस से मेरी बात और मैंने एक तरह से चाहते हैं कि हम विद्यालय को हैक करके अपने मन से जो करें इस पर हम लोग प्रशासन के द्वारा बने। उसके बाद जब सारे कक्ष में मैंने वर्ग शिक्षक को लगाया कि देखिए सबकी उपस्थिति चेक कीजिए, तो जिन लोगों का उपस्थिति 2%, 3% नहीं के बराबर था, उन लोगों को भी मैंने गेट से बाहर पुलिस के द्वारा निकलवा दिया कि आप लोग भी एग्जाम नहीं देंगे।
पुलिस प्रशासन से हमको बात हुई और विभागीय अध्यक्ष में क्लर्क लोग जो हैं कुछ जानकार उनसे मेरी बात हुई जो मेरे उनमें भाई लगते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि देखिए बच्चों के भविष्य का बात है, एक डेट निर्धारित कीजिए जिस डेट पर अगर छूटा हुआ एग्जाम है उसको लिया जा सके। तो हमने डेट निर्धारित किया है 20 तारीख को, जो गेट पर सूचना पट पर सटा भी गया है, पुलिस प्रशासन के सामने सटा गया कि जो वंचित हैं अगर विद्यालय परिधान में आते हैं, मोबाइल नहीं रहता है, अनुशासन में आते हैं, तो छूटा हुआ उनका एग्जाम 20 को लिया जाए। जो मेरे चेयर पर आके बैठ सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, लफंगे ही न कहेंगे। उनके गार्जियन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे गार्जियन को क्या संदेश देना चाहिए? हम उनको हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि मेरा भी बेटा है, आपका बेटा हो या बेटी, जब तक वो मेरे विद्यालय में है वो मेरा बेटा और बेटी है, और किसी भी बेटा बेटी से कोई यहाँ गलती होगा तो 10 बजे तक मैं उसके बाप की तरह उसको टॉलरेट करूँगा, चाहे उसके जीवन में सुधार आए, वो कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा अफसर बने, मैं भी गर्व करूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कुछ अच्छा अफसर बन गया। सर आपका परिचय? लाल बाबू कुमार मेरा नाम हुआ।